लेकिन आपकी बहन तो इस बात को मानने से इनकार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाजत है? ठीक है, अब बात कर सकती हूँ। आप आइए मेरे साथ। चलो। क्या बात करना चाहती हूँ? अच्छा, तो ये भी तुम दोनों बहनों का नाटक ही था? हाँ, ये सब देखकर आपका गुस्सा, आपके तेवर तो नीचे आ ही गए होंगे, और उन्हें नीचे ही रहने दीजिएगा चची जान। चची जान तो कह ही सकती हूँ ना मैं आपको। और हाँ, इस नाटक की हकीकत ये है कि अगर हम चाहे तो अभी आपको और साहिल को हथकड़िया लग जाएगी, और आप भी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर फिलहाल अकबर चचा जान आराम फरमा रहे हैं। हमारी बात समझ रही है ना? और आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकती है कि हम आपकी फितरत से किस कदर से वाकिफ हैं, कि हम पुलिस को लेकर आए और आप लोग ठीक वही कर रहे थे जिसका अंदाजा हमने लगाया था। तुम चाहते क्या हो शमा? बस इतना ही कि आइंदा सोहा की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश मत कीजिएगा। उस पर जुल्म करने की बात तो बहुत दूर रही, वरना क्या होगा इसका अंदाजा अगर आप लगाना चाहे तो जरूर लगा सकती हैं, और अगर ना लगे तो जाकर अकबर चचा जान से पूछेगा कि कानून क्या कहता है। और थोड़ा कानून तो आपको पुलिस इंस्पेक्टर भी समझा ही देंगे। तुम इसलिए हवा में उड़ रही हो शमा क्योंकि इस वक्त साहिल के अब्बू लॉकअप में बंद है। इस वक्त ही नहीं चची जान, पूरी उम्र उन्हें वही रहना पड़ेगा, वही उनका मेहमान खाना है, और जो भी मेहमान नवाजी होगी वही होगी जिसे जेल कहते हैं। और अगर आप लोग वहां पर मेहमान बनकर नहीं जाना चाहते तो सोहा को अपनी बहू समझिएगा और बहू बनाकर इस घर में रखिएगा। और हाँ, अगर अकबर चचा जान से बात हो तो उन्हें जरूर बताइएगा कि हमने ये तौर तरीके उन्हीं से सीखे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप दरअसल डरी हुई हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मैं नजरअंदाज कैसे कर सकता हूं? देखिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ है, और कानून सिर्फ आपके ही साथ नहीं, हर उस औरत को इंसाफ दिलाना चाहता है जिसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बस आपको एक कंप्लेन करने की जरूरत है, फिर कानून अपना काम करेगा। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा कि आप समझ रहे हैं। वो मैं घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो अम्मी जान ने मुझे रोका और बस मैं फिसल कर गिर गई। देख रही हैं आप, ये बार बार यही कह रही हैं कि इस घर में इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यही वजह है कि नारी अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कानून आखिर करे भी तो क्या करे, जब अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता।
मैं भी यही सोचकर हैरान हूँ इंस्पेक्टर कि क्या सोचकर सोहा ऐसी बातें कर रही है। मेरी इनसे बात हो गई है, अब चाहे हालात जैसे भी हो, इन्होंने मुझसे वादा किया है कि सोहा के साथ कभी गलत बर्ताव नहीं होगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ख्याल रखिएगा, आप लोगों के जुल्म से तंग आकर इन्होंने अगर कोई कंप्लेन आप लोगों के खिलाफ कर दी तो समझ लीजिए कि इस केस की कोई जमानत नहीं होती है। ख्याल रखिएगा, जो आज मैंने देखा है वो मुझे दोबारा कभी सुनने को या देखने को ना मिले। जिसे बहू बनाकर लाए हैं उसे बहू बना करके रखिए, ठीक है? मैं चलता हूं। क्षमा भी, आज आपने जो किया है दोबारा फिर कभी मत कीजिएगा। पर अगर कोई मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। आपको मेरे घरेलू मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो मोहब्बत करते हैं उन्हें नाराज होने का भी उतना ही हक होता है, और आपको हमारे मामले में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। आज आपने जिस तरह से इस घर में कदम रखा है, अगर ऐसे ही कदम रखना है तो दोबारा इस घर में कदम रखने की जहमत कभी मत उठाइएगा। गौतमी जिस तरह हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है ना, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस तरह कोशिश करने से वो अपने ही पंख चला बैठेगी और दोबारा कभी उड़ने लायक ही नहीं रहेगी। लगता है उसे कोई सही सलाह देने वाला है ही नहीं। वो सलाह लेती भी किससे मौसी जी? अकबर जैसे लोगों से, जिन्हें सिर्फ दूसरों के घर में आग लगाकर खुद के हाथ सेकने की आदत होती है। सही कह रही हो बहू, क्योंकि अगर उसे कोई सही सलाह देने वाला होता तो वह ऐसी गलती हरगिज नहीं करती। वो तो बस सात फेरे लेकर किसी भी हालत में ऋषि की पत्नी साबित करना चाहती है अपने आप को, लेकिन वो यह नहीं जानती कि कानून की नजर में दूसरी शादी गैर कानूनी होती है, उसकी कोई अहमियत नहीं। मौसी जी, कानून तो आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आप गौतमी को समझाने की कोशिश करेंगे ना, वो हरगिज उस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि उसके सिर पर सिर्फ शादी का भूत सवार है। उसको समझाने का मतलब ये होगा कि हम उसे रोकना चाहते हैं, और वो ये बात सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। बहू, अगर तुम चाहो तो मैं कानून का सहारा लेकर यह शादी रुकवा सकती हूँ। कानून का सहारा लेकर तो इस शादी को रोका नहीं जा सकता मौसी जी। मैंने फूफा जी से बात की है, फूफा जी यहाँ आ रहे हैं। मौसी जी, मुझे ऐसा लगता है कि फूफा जी के समझाने के बाद शायद गौतमी पर कुछ असर हो जाए। बहू, या तुम्हें सचमुच लगता है कि उनके समझाने से गौतमी मान जाएगी? मुझे गौतमी पर भरोसा नहीं है मौसी जी, लेकिन जब फूफा जी को यह पता चला कि गौतमी ऋषि से शादी करना चाहती है
तो फूफा जी ने तुरंत यहाँ आने का फैसला लिया मौसी जी, और मुझे लगता है कि फूफा जी के यहाँ आने के बाद शायद गौतमी अपना फैसला बदल ले। तुम्हें सच में ऐसा लगता है बहू? हाँ, और वैसे भी फूफा जी सुबह ही आ रहे हैं और पापा जी उन्हें स्टेशन लेने जा रहे हैं। भगवान करे गौतमी का ये फैसला किसी तरह से बदल जाए। मैंने एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया, अब अगर मेरे इस फैसले के खिलाफ किसी ने भी रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो इस घर के लोग मेरा एक दूसरा रूप भी देखेंगे। फूफा जी को बुलाया है ना पल्लवी ने, देखती हूँ वो इस घर में कदम कैसे रख पाते हैं। ये कजरी अब तक क्यों नहीं आई? फूफा जी कल सुबह आने वाले हैं और सारा मामला आज ही सेट करना है कि उन्हें रोका कैसे जाए। कहाँ रहेगी कजरी? कजरी, कुछ बात बनी कि नहीं? किसी से बात हुई तेरी? हाँ, बात हो भी गई है और बात बन भी गई है। किससे बात हुई? जल्दी बताओ। देवा से, वो हमारा ये काम कर देगा। कल सुबह ही फूफा जी के इस घर में पहुँचने से पहले ही वो उन्हें कहीं और ही पहुँचा देगा। वेरी गुड। लेकिन कजरी, काम इस तरह से होना चाहिए कि किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले थे। किसी को पता नहीं चलेगा मैम साहब, मैंने उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया है और वो इन सारी बातों का पूरा पूरा ख्याल रखेगा, और काम को अंजाम भी इस तरह से दिया जाने वाला है कि देखने वालों को ये एक हादसा लगेगा, और शहर में तो हादसे होते ही रहते हैं। कजरी, तूने वो फूफा जी की तस्वीर तो दिखा दी है ना उसे? हाँ मैम साहब, तस्वीर दिखा ही नहीं दी थी बल्कि मैंने तस्वीर बनवा कर दे दी ताकि पहचानने में कोई भूल ना हो सके। बहुत खूब कजरी, मैं तो बहुत हताश हो गई थी कि अकबर जी की गिरफ्तारी के बाद मेरी मदद करने वाला तो कोई नहीं रह गया था। मैं हूं ना, और जब तक मैं आपके साथ में हूं तब तक आपका कोई काम रुकेगा नहीं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चुका है कजरी कि अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मैं सचमुच मुसीबत में पड़ जाती। आप सिर्फ पुलिस को संभालने की बात सोचिए, बाकी आपका ऐसा जो भी काम होगा वो मैं करवाऊंगी। कजरी, पुलिस हमारे आड़े नहीं आएगी और ना ही इस घर के लोग पुलिस को बुलाने की हिम्मत कर पाएंगे। सायरा चाची जान ने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम वहां पुलिस लेकर पहुंच जाएंगे। पुलिस को सामने देखकर तो उनके होश ही उड़ गए थे। ये तो होना ही था, वो तसव्वुर में भी सोच नहीं सकती थी कि जिस वक्त वो सुहा को घर से निकालने की कोशिशें कर रही होंगी ठीक उसी वक्त तुम पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाओगे। वाकई शमा, इन लोगों को इसी तरह रोका जा सकता है। अगर हम सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचते तो वो साहिल के सामने ही सुहा को घर से बाहर निकाल देती। लेकिन शमा, सुहा तो इस बात का दावा कर रही है कि साहिल के दिल में अब उसके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी है। अगर ऐसा है तो उस वक्त जब साहिल की अम्मी सुहा को घर से बाहर निकाल रही थी तो साहिल ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इतनी जल्दी हम साहिल से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, और हकीकत भी यही है कि हम खुद भी नहीं चाहते कि साहिल अपने अम्मी और अब्बू से नफरत करे। हमारा मकसद ये नहीं है और इसीलिए हमने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की। अगर साहिल के दिल में उन लोगों के लिए नफरत भर कर उनका गुरूर टूट सकता है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं अल्तमश, ये ठीक नहीं होगा। किसी भी वालदेन से उनके औलाद को छीनना हमें भी नागवार गुजरेगा और अल्लाह की नजर में भी ये गुनाह है। शमा, जिस तरीके से तुम सोहा को उस घर में उसका हक दिलाना चाहती हो, क्या ये मुमकिन है? हाँ हाँ अल्तमश, और हमें साहिल को अकबर चचा जान के खिलाफ करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कल तक साहिल खुद सोहा पर जुल्म किया करता था, लेकिन आज हमें पूरा एतबार है कि कल वही साहिल सोहा पर होने वाले जुल्म से उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह करे
कि तुम्हारा एतबार सच साबित हो और हकीकत बनकर सामने आए। लेकिन शमा, आज अगर साहिल सोहा को घर से निकाले जाने की खिलाफत नहीं कर सका तो क्या कल वो कर पाएगा? शमा जलती है, पिघल शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। आज अगर साहिल सोहा को घर से निकाले जाने की खिलाफत नहीं कर सका तो क्या कल वो कर पाएगा? हम जानते हैं कि वो खिलाफत नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम पुलिस को लेकर वहां पहुंचे थे। हम उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कल तक अपने वालदेन का हर हुक्म मानने वाला साहिल आज उनकी खिलाफत पर उतर आएगा। लेकिन सोहा की मोहब्बत धीरे धीरे साहिल को उसकी हिफाजत करने पर मजबूर जरूर कर देगी। ठीक है शमा, देखते हैं। जो हम कर रहे हैं वो भी हमें गवारा नहीं था, लेकिन सोहा को उसके घर में उसका हक दिलाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा, क्योंकि हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अकबर चचा जान ही हमारे अब्बू के कातिल हैं। उन्हें उनके गुनाहों की सजा हमें दिलानी ही है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि सोहा की जिंदगी किसी भंवर में फंसे। अच्छी नीयत के साथ किया गया कोई भी काम बुरा नहीं होता है शमा। आज तुम्हारे और सोहा की कोशिशों की वजह से यह हकीकत अदालत के सामने आई कि तुम्हारे अबू का कत्ल बड़े अबू ने किया था, और अब सारी हकीकत पुलिस उनसे खुद उगलवा लेगी। अब तुम इस हकीकत को झुठला नहीं सकते कि आज से 25 साल पहले तुमने अख्तर अली का कत्ल किया था। मैं आपसे कितनी बार कह चुका इंस्पेक्टर कि वो कत्ल नहीं, एक हादसा था और उनकी मौत एक हादसे में हुई। झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ। अब ये हकीकत सामने आ चुकी है कि वो तुम्हारा प्लान था, तुमने सोची समझी साजिश के तहत अख्तर अली का कत्ल किया है। बकवास है ये सब इंस्पेक्टर, मैं इसे हरगिज़ नहीं मानता। देखिए इंस्पेक्टर, ये मेरे दुश्मन की मुझे फंसाने की एक साजिश है। साजिश? तुम्हारी गिरफ्तारी उन सबूतों के आधार पर हुई है, वो वीडियोस जो तुम्हारे घर में रिकॉर्ड किए गए और जिसमें तुम साफ साफ इस बात को कबूल कर रहे हो कि अख्तर अली का कत्ल तुमने किया है। मैं इसे मानता नहीं हूं बिल्कुल। अगर वो वीडियो पुलिस तक पहुंचाए गए हैं तो वो गलत है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। अगर वो वीडियो पुलिस तक पहुंचाए गए हैं तो वो गलत है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। और इंस्पेक्टर साहब, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूं, कानून पढ़ा है मैंने, मैं कानून और कानून की धाराओं को बहुत अच्छे से जानता हूं। इसीलिए तो तुम अब तक कानून से बचने रहने में कामयाब। लेकिन सच्चाई को एक ना एक दिन सामने तो आना ही था, और वो आ गई। तुम्हें क्या लगता है, तुमने कानून पढ़ा है तो तुम कानून को अपनी उंगलियों पर नचाते रहोगे, हर बार कानून को धोखा देने में कामयाब हो जाओगे? तुमको इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अख्तर अली का कत्ल तुमने किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे जबरदस्ती कुछ भी मनवा नहीं सकते, कानून आपको यह हक नहीं देता है। मुझे कानून सिखाओगे तुम? मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा हूं, आपको कानून याद दिला रहा हूं कि आप मुझसे जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं बुलवा सकते। अगर मैंने कत्ल किया तो आप सबूत और गवाह तलाश कीजिए, और वैसे भी ये सब तो अदालत में ही फैसला होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कहने से मैं ये मान लूंगा कि वो सबूत, वो वीडियोस, वो फुटेज जो कानून के पास है वो सब फर्जी है? नहीं, वो एक ऐसा सबूत है जिसे दुनिया में कोई भी झूठ ला नहीं सकता, और उसी सबूत की बिना पर
हम तुमसे सच उगलवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते।